हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जी गुरुजी में। मैं वर्षा आज फिर से आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम MBA एग्जाम के बारे में बात करेंगे, फिर कौन कौन सी जगह पे कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा अच्छा है उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा कैट के एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। कैट, जिसे कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम कहते हैं, इस एग्जाम में आपका जो पेपर लेवल होता है वो सभी MBA के लेवल में सबसे टफ पेपर का लेवल कैट का माना जाता है। और यहाँ से आपको इंडिया के सभी टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक कि कैट में अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी है तो आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स भी बहुत प्यार से एडमिशन देते हैं और बहुत ही अच्छा पैकेज भी लगता है। कैट क्वालिफाई कर जिन जिन कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं वहाँ उनकी प्लेसमेंट इंडिया के बाहर भी लगती हैं, अब्रॉड, और इंडिया की सभी टॉप कंपनीज में वो लोग जाते हैं। तो ये हो गए आपके कैट के बारे में कि कैट एग्जाम किस चीज़ का है, MBA का एग्जाम है ये MBA करवाने के लिए, और क्या इसकी खासियत है। अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। इसमें आपका रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आता है। टोटल 3 सेक्शन आपके इसमें आते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो मेन पेपर होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट ये कहलाता है, इसलिए ये तीनों सेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाने से पहले आपको ये बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी है। इस पेपर में आपको सही आंसर के +3 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के -1 मार्क्स मिलते हैं, यानी 33% या 0.33 की नेगेटिव मार्किंग इसे हम कह सकते हैं। और मैं आपको हमेशा से एक चीज कहती आई हूँ कि जिन भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है उनमें प्लीज क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने से बचिए, तुक्केबाजी लगाने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर आपका नुकसान सिर्फ 0.33 मार्क्स का नहीं, यहाँ पर आपका नुकसान 1.33 मार्क्स का है। यानी कैट के पेपर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ आपका 4 मार्क्स का नुकसान है, यानी जो मिलने वाले 3 मार्क्स थे वो तो गए ही गए, साथ के साथ 1 मार्क और चले गए बिकॉज उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए और इस पेपर को पूरे फोकस के साथ अटेम्प्ट कीजिए। दोस्तों, आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहाँ हमने सभी इंस्टीट्यूट के बारे में इन डिटेल जाना है, जहाँ हर टॉप रैंकिंग की इंस्टीट्यूट के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बताई हैं, और उसके अलावा हर इंस्टीट्यूट के बारे में इन डिटेल वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है आपके अपने शहर में इस एग्जामिनेशन के लिए, और हर इंस्टीट्यूट की इन डिटेल वीडियो हमारे पेज पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक सिंगल वीडियो जिसमें सभी रैंकिंग के बारे में उनकी छोटी खासियत, शॉर्टकट डिटेल्स, फी स्ट्रक्चर सब कुछ हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों, हम आपके लिए आज आ गए हैं पूरे इंडिया के बहुत ही फेमस जगह मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और हमारी फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की, और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैट की प्रिपरेशन जितने भी लोग मुंबई में कर रहे हैं उनके लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये कुछ मिनट की वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, और मुंबई के जितने भी लोग हैं जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ऑल ओवर इंडिया फेमस कैरियर लॉन्चर की इन्फॉर्मेशन लेकर के। कैरियर लॉन्चर पूरे के पूरे इंडिया के हर बड़े शहर में मौजूद है और हर शहर में ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट में इस एग्जाम के लिए जरूर आता है। तो बात करें इस इंस्टीट्यूट की तो ये मुंबई में रैंक नंबर 6 का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिक्स सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप रीजनिंग या एप्टीट्यूड को क्लियर कर सकते हो। जितने भी ऐसे आपके पेपर होते हैं जो कि एप्टीट्यूड बेसिस होते हैं वो सभी आपके डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं सॉल्व हो सकते क्योंकि इनमें आपका टाइम बहुत कम होता है,
क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो यहाँ पर आपकी सारी चीजें होती हैं, तो आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। पहले यहाँ पर आपको बेसिक तैयारी करनी पड़ती है। बेसिक तैयारी में आप हर क्वेश्चन के बारे में इन डिटेल जानते हो कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिक सिखाई जाती है कि किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। इस वे में इसकी प्रिपरेशन होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। इस टेस्ट सीरीज के बेसिस पर आप अपना रियल एग्जाम का एनालिसिस देख सकते हो कि किस तरीके से पेपर होता है। रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको प्रॉपर यहाँ मिलता है। इसका रिजल्ट आपको अगले दिन दिया जाता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, जो वीक पॉइंट्स हैं, वो भी आपको समझाए जाते हैं, किस तरीके से इनको आपको इम्प्रूव करना है और कैसे इनसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स निकलवाने हैं, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके बारे में समझ सकते हो। तो दोस्तों, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप इन्हें विजिट कर सकते हो, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हो। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी आज की वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं। साथ के साथ बेल बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक नए एग्जाम की, एक नई लोकेशन की। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।